हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है, क्या करंट फीलिंग है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो सडनली अगर आपके सामने आती है तो समझ लीजिए आपके लिए है, इसलिए आपके सामने आई है। एंड टाइमलेस है तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं। सो डियर गाइस, इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की टैरो कार्ड ले लेते हैं हम। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज को देखने की, क्या एनर्जीज आती है और आपके पर्सन के लिए। ठीक है, सो कार्ड्स मैंने सफल कर लिए हैं। ओके, सो ओके, सो काफ़ी ज़्यादा तनाव मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम पर आप दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज जो यहाँ पर आ रही है टैरो कार्ड में, साइलेंस की आ रही है। ठीक है, मींस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो दिख ही रही है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैं इस टाइम पर आपके पर्सन की एग्जॉशन की एनर्जीज देख रही हूँ। मतलब फीलिंग्स जो उनकी आ रही हैं वो आपके लिए बहुत, मतलब लविंग फीलिंग्स मैं बोल सकती हूँ, लविंग फीलिंग्स आ रही हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उनकी तरफ से आपका कुछ दिल दुखा हो या फिर कुछ रूडली शायद उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट का कार्ड आया है। ठीक है, सो किसी ना किसी बात का तो गिल्ट नज़र आ ही रहा है यहाँ पर, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आपको ड्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है तो ड्रीम्स में एनर्जीज आ रही है काफ़ी ज़्यादा। ड्रीम्स में देख रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ कांटेक्ट अभी इस टाइम पर मेरे को इतना उनका नहीं दिखाई दे रहा। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जो कि मुझे यहाँ पर दिख रही है, लेकिन जो एनर्जीज मेरे को कार्ड में दिख रही है उनका ध्यान जो है इस टाइम पर, कॉन्सेंट्रेशन या फोकस जो है आपके पर्सन का इस टाइम पर आपकी तरफ ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि फीलिंग्स में उनके जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब लविंग फीलिंग्स आ रही, सोच रहे हैं आपको। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक बर्डन भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से कहीं ना कहीं फैमिली है जो शायद सपोर्ट नहीं कर रही है आपके रिश्ते को, मंजूरी नहीं दे रही है। एंड वहीं उसी साइड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ पर्सन शायद, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है इग्नोरिंग एनर्जीज आ रही है, तो इग्नोर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, मतलब सामने रहकर इग्नोर कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। लेकिन अंदर से फीलिंग्स में आपके लिए केयर है, मतलब इस चीज़ को वो रियलाइज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को वो समझ रहे हैं कि हाँ मैं जो ऐसा बिहेवियर कर रहा हूँ उसको पेन हो रहा होगा, उसको फीलिंग्स बैड आ रही होगी, वो मेरे को गलत समझ रहा होगा। लेकिन वो जानबूझकर मेरे को दिख रहा है कि एनर्जीज ऐसी दिखा रहे, शो कर रहे हैं आपको जैसे कि उन्हें आपसे मतलब नहीं है, लेकिन अंदर से जो उनकी फीलिंग्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, और जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपके पास, आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर, थर्ड पर्सन मेरे को फैमिली से भी दिख रहा है, और क्योंकि जनरल रीडिंग है शायद थर्ड पार्टी जो है वो मेरे को कुछ ऐसी एनर्जीज में दिख रही है कि कोई और अदर पर्सन भी है जो सडनली से इनके लाइफ में आया है, या फिर कोई एक्स हो सकता है इनका। ठीक है, जिसकी जिसके साथ इनको ना तो फीलिंग्स गुड आती है और ना ही जिसके साथ ये रहना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा उनके मैसेजेस करने से, या फिर उनके उनका बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पर्सन की तरफ फोकस होने से कहीं ना कहीं उनका ध्यान भी जो है वो उस तरफ गया, या फिर जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आया है जो कि मुझे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर सेपरेशन की एनर्जीज में, जिससे लग रहा है कि मतलब काफ़ी पेनफुल एनर्जीज दिख रही है, काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, एंड कमिंग टुगेदर की एनर्जीज है, यानी कि वापस आना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, और स्ट्रेस जो तनाव उनको हो रहा है वो इसलिए और ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपसे शायद
कहना तो चाहते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ओवरलोड स्ट्रेस टेंशन देख रहे हैं। बट यहाँ पर जो कार्ड है वो जस्टिस का है, ठीक है। सो यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है कि मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपको सपोर्ट करेगा। ऐसा लग रहा है टैरो कार्ड को देख कर कि बहुत जल्द आपका जो रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुलझने वाली है, ठीक है। एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि जो साथ आपका अलग हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि जो साथ आपका अलग हो रहा है, या फिर जो स्ट्रेस आप लोगों को है इस टाइम पर, तो कहीं ना कहीं आप साथ होने वाले, ओके, एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ कि आपके जो ऐसे टाइम था, आपका जो टाइम ऑफ पीरियड था जिसमें आपका डिस्टेंस लिखा हुआ था, जिसमें आपकी दूरियाँ लिखी हुई थी, ठीक है। और आपने वो कभी कभी क्या होता है ना कि वो जो कर्मा होते हैं हमारे, या जितनी चीज़ें लिखी होती हैं वो सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी क्या एनर्जीज आ रही है, अभी आपके सुखद पल आ रहे हैं, अभी आपकी खूबसूरत एनर्जीज आ रही है, जो कि ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, उनका आपका साथ होगा, ठीक है। बहुत दिन हो गया कि आप लोगों ने कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो लिए, बहुत टाइम हो गया जो आप अलग हो लिए, लेकिन अब समय है आपके मिलने का, जो कि एक गुड न्यूज़ के रूप में भी है। और कहीं ना कहीं आपको आपको जो पर्सन है उनकी तरफ से कोई मैसेज या कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने, बहुत जल्द आपके सामने फेस करने वाले हो आप, या कुछ ऐसे एनर्जीज जो आप, जैसे कि उन्होंने आपको बोला था, कुछ कमिटमेंट दिया था, या थर्ड पार्टी की वजह से आज आपकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है, या फिर आप चाहते हो कि यस, अगर ये थर्ड पार्टी ज़िंदगी से चली जाए, लाइफ से चली जाए, तो रिलेशन ठीक हो जाए। तो समझ लीजिए वो टाइम जो आपका, जो आप डिज़र्व करते हो, जो चाहते हो, वो मुझे यहाँ पर नज़दीक दिखाई दे रहा है। क्योंकि फीलिंग्स में क्या हो रहा है कि एनर्जीज चेंज हो रही है, ठीक है। और जो एनर्जीज चेंज हो रही, मतलब जो समय आपका चेंज हो रहा है, वो समय आपका एक ब्यूटीफुल एनर्जीज में आ रहा है, ठीक है। एंड आपने कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन ने कुछ ड्रीम्स देखे थे, फ्यूचर को लेकर देखे थे, तो यहाँ पर मेरे को फ्यूचर में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। और कुछ एनर्जीज मेरे को ऐसी भी दिख रही है कि शायद आपका जो उनके साथ रिलेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, तो आपका जो रिलेशन ब्रेक हो गया है, ठीक है, या बीच में से टूट गया है, तो ये जो पर्सन है ये आपसे कांटेक्ट खुद ही करने वाले हैं। इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपके बिना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो उन्होंने सफ़र की है। कुछ एनर्जीज ऐसी भी आ रही है कि आपके लिए आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन से भी झगड़ा किया है, फैमिली को भी बहुत कुछ सुनाया है, बट आपसे हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी शेयर नहीं की हैं आपसे, ठीक है, लेकिन फीलिंग्स अलाउन आ रही हैं। बहुत ज़्यादा झगड़ा दिखाई दे रहा है थर्ड पर्सन के साथ, अपनी भावनाओं पर शायद कंट्रोल नहीं रख पा रहे, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे, जिसकी वजह से इन्होंने फैमिली वालों को भी शायद बोला है कुछ ऐसी चीज़ें, ताकि आपके रिलेशन में जो एनर्जीज खूबसूरत आ रही हैं, समय जो है वो आपका बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा समय मेरे को आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर जिनका रिश्ता टूटा हुआ है, जो आपस में आपकी मैरिड लाइफ है, या फिर आपकी लव लाइफ है, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिनका खास तौर पर जिनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए, और वो फीलिंग्स सडनली जो है वो टूट गई, या वो रिश्ता सडनली टूट गया, उन एनर्जीज में तो बहुत ज़्यादा मेरे को एक हाई पावर की एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो जो समय आ रहा है, ये समय आपके रिलेशन के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर कोई भी इंसान, कोई भी थर्ड पार्टी अब इस टाइम पर अगर आपके बीच में है या आ रही है, तो कहीं ना कहीं हार होनी है उस थर्ड पार्टी की, क्योंकि आप लोगों का रिलेशन जो है वो मेरे को यहाँ पर सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर कुछ ऐसी ही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। और जो वीडियो पर नंबर आपको इस समय दिखाई दे रहा है, यही मेरा पर्सनल वीडियो नंबर, रीडिंग का नंबर है। अगर आपको पर्सनली कोई भी एडवाइस लेनी है तो आप ले सकते हैं, इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिए, केवल मैसेज कीजिए। और टेक्स्ट जो कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में मैं कभी नंबर नहीं देती हूँ, तो उन नंबरों से बचे। सो वीडियो के नंबर पर ही भरोसा करें, एंड टेक केयर, बाय बाय।